असलामुअलैकुम, मेरे गेस्ट फॉर फेवरेट माय नेम इज अदब एंड आप सब लोग एक न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। वैसे मुझे लगा था नहीं कि मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। अभी रात के बज रहे 3 तो लास्ट ब्लॉग अपलोड हो चुका है। अभी थंबनेल वगैरह मैं लगा रहा हूं। लिटरली बाहर काफी तेज जो है ठंड हो रही है, बादल गरज रहे कब से, काफी तेज जो है बिजली भी चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है। वैसे भी ये बात बोलने के लिए मैं नीचे उतर रहा 3 बजे रात के, हो सकता है सुबह सुबह तेज बारिश देखने के लिए मिले। एनीवेज आगे जो है आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, रात में जो हल्की हल्की सी बरसात आ गई उसका असर आप देख सकते हो। मैं जहाँ तक मैं जागा रहा तब तो नहीं आई थी बारिश, उसके बाद आई होगी। बात तो सही है। सुबह सुबह कार्यक्रम। अस्सलाम वालेकुम। A few moments later. तो भाई ये जो पर्टिकुलर शॉप है, पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे जो चोरी होते होते बचा था। जैसे सुबह के 4 बजे के सामने चाय वाले की दुकान थी, चाय वाला सुबह के 4 बजे दुकान खोल देता था। तो भाई जिससे कि वो जो माल है वो चोरी होते बच गया, नहीं तो भाई अराउंड 1 लाख रुपए का माल था। और चोर कौन थे, कहाँ से है वो तो पता नहीं चला, उनके मुंह ढके हुए थे। मैं वो भाग गए जैसे वो चाय वाला उसको देखा, चाय वाला उसके पीछे भागा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भाग गया। वह 2 लोग थे भाई। तो मौसम विभाग के अनुसार कल पूरी रात जो है वो बिजली हुई, फजर के बाद काफी तेज बारिश पड़ना स्टार्ट हुई, उसके बाद दोपहर को एकदम तेज धूप निकली। मैं अभी शाम की बात कर रहा हूँ, अभी भी काफी अच्छा खासा गर्म है, बट भाई रात काफी ज्यादा प्लेजेंट थी। लास्ट ईयर जब मैं रेनी सीजन था उस वक्त जो है यहाँ पे कहीं जो बिजली गिरी थी लिटरली, तो भाई मैं 2-3 और लोग थे मेरे साथ में, जान पहचान वाले थे। तो भाई जब वो बिजली गिरी थी उसके तुरंत बाद लिटरली पूरा अंधेरा हो गया, थोड़ी लाइट चले गई तो ऑब्वियसली, एंड भाई वो जो मोमेंट है वो जो एक सेकंड था और लिटरली क्या फटी थी। तो बारिश का असर देख सकते हो, हल्के हल्के हरियाली स्टार्ट हो चुकी होगी ना, तो फिर भी सिर्फ 25% जो ग्रीनरी हुई है, बाकी ये सब भी पूरा ग्रीन हो जाएगा। भाई साहब क्या बात है, क्या सीन सी भाई, लिटरली अब उसे 15 से 20 साल पुराने रिक्शा होगी। इसका मॉडल अगर मेरा कासम साहब भी ब्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे मेरे भाई के पास उस वक्त ये वाली रिक्शा थी, फिर मैं वहाँ का जो पहाड़ था काफ़ी ज़्यादा स्टीफ था, जो कि रिक्शा आराम से ऊपर चढ़ गई थी। भाई ये वाला मॉडल भी बंद हो चुका है मोस्टली, अलहमदिल्ला में खान हो चुका है। अभी मैं जरा MNP कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको कुछ गिफ्ट फ्री मिलता है, तो गिफ्ट क्या है आपको नेक्स्ट टाइम पता चलेगा, तब वो आ जाएगा। एंड भाई होपफुली मेरे आधार कार्ड पर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ 1 साल पहले मैंने यही से ये सिम कार्ड लिया था, तो विलेट्स यहाँ पे चल के पता चलेगा। तो मैं होपफुली अपना आधार कार्ड चल जाना चाहिए, एंड ऑल्सो जो गिफ्ट है वो मुझे चाहिए, ठीक है, वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही है। अरे बाप भाई बाल की हालत चलता है, बहुत सामना खाना भी खत्म हो जाएगा। सुबह अलहमदुल्ला अपना काम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, ये जो MNP मुझे पड़ा फ्री में, के साथ में गिफ्ट मिलता है। तो जो मेरे VI सिम कार्ड उसके अंदर से मैं गया एयरटेल में, तो मैं जो MNP का जो गिफ्ट है आज के मुझे 4 दिन बाद मिलेगा, जब मेरा सिम एक्टिवेट होगा एयरटेल वाला। सो भाई वो चीज क्या है आपको डेफिनेटली मेरे फ्यूचर लॉज में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड भाई ये जो MNP चल रहा है इसके अंदर जियो का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो क्या ड्रॉप है आपको मैं आगे फ्यूचर ब्लॉग्स में बता दूंगा। फिलहाल स्टॉक को मैं यही तक रखता हूँ, अपने स्टॉक को यहाँ तक देख लिया, थैंक यू सो मच फॉर द मॉडरेट। मैं हार्ड कमेंट अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है, डू शेयर दिस ब्लॉग, क्योंकि हम 2000 सब्सक्राइबर बहुत नजदीक है। ऑल्सो यू गाइस डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, थैंक यू सो मच आईके सारे ब्लॉग देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना, मिलता आपको बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन नो यू फॉर फॉर कार ड्रीम बिग, अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।